एवरीवन, आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने जो है वो अपनी व्लॉगिंग को बेहतर करने के लिए कौन सी एसेसरीज बाय की हैं। मैं अपने पुराने व्लॉग्स देख रही थी तो उसमें जो है वो मुझे नॉइस बहुत ज़्यादा फील हो रहा था बैकग्राउंड में, तो आई थॉट कि उस नॉइस को रिड्यूस करना चाहिए ताकि जो सुनने वाले हैं उन्हें कम से कम बैकग्राउंड का शोर सुनाई दे और मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर सुनाई दे। तो उसके लिए मैंने जो है ये माइक बाय किया है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये छोटा सा क्यूट सा माइक है, ये आप जो है अपने कॉलर के साथ, शर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं, और इसके साथ जो ये डोंगल है ये आपके मोबाइल के साथ अटैच हो जाएगी, और आपके मोबाइल के साथ अटैच होने के बाद आप इस बटन से इसे ऑन करके इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये इसके साथ इसका चार्जर है, आप इसके साथ अपने माइक को चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि नॉइस रिडक्शन हो सके और आप लोगों को जो है वो मेरी आवाज़ क्लियर आ सके। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम से जो भी व्लॉगिंग करूँगी वो इसके थ्रू करूँगी ताकि नॉइस रिडक्शन हो, कम से कम नॉइस हो बैकग्राउंड का, वो रिड्यूस हो सके। उसके अलावा मैंने जो है ये पावर बैंक जो है ये बाय किया है। ये इसलिए ज़रूरी था कि अक्सर व्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि वीडियोस आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो चार्जिंग बहुत स्पीड से गिरती है, तो आई थॉट कि वो नहीं गिरनी चाहिए, उसके लिए मैंने जो है ये पावर बैंक लिया है ताकि अगर ऐसा हो मोबाइल की चार्जिंग जो है वो ख़त्म हो रही हो तो मैं ट्रैवलिंग के दौरान भी जो है उसे चार्ज कर सकूँ और ये प्रॉब्लम ना आए। ये जो आखिरी चीज़ है ये है पाउच, ये एक केस है, ये जो है मेरे हस्बैंड सऊदीया से लाए थे और उन्होंने मुझे दे दिया था, उनके यूज़ का नहीं था तो उस वक्त से रखा हुआ था, मैं यूज़ नहीं कर रही थी तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था इसे कैसे यूज़ करूं, बट अब ये मेरे काम आएगा। इस केस में, इस पाउच में इस तरीके से कुछ पॉकेट्स बनी हुई हैं, यहाँ पर जो है वो मैं अपना माइक रख सकती हूँ एक पाउच में, और एक पाउच में जो है वो मैं अपना सेफली डोंगल रख सकती हूँ इस तरीके से, और मैं अपना पावर बैंक जो है यहाँ इस तरीके से कैरी कर सकती हूँ लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से मैं अपनी सारी एसेसरीज जो है वो एक ही पाउच में कैरी कर सकती हूँ। इस पाउच में जो ये जो वायर लगी हुई है स्टेरिलाइजेशन के लिए है, आप स्टेराइल कर सकते हैं इसको। इसमें यहाँ पर ना यूवी लाइट्स हैं, तो आप इसे पावर बैंक के साथ कनेक्ट करेंगे और इस पाउच को उसके बाद बंद कर देंगे तो पाउच के अंदर मौजूद जो भी चीज़ें होंगी वो स्टेराइल हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा है, हम जैसे बाहर जाते हैं बच्चों के साथ, बाहर जाना होता है तो आपकी जो एसेसरीज़ होती हैं उन्हें वायरस या बैक्टीरियाज वगैरह लग जाते हैं, उसके बाद फिर आपका जो मोबाइल है वो बच्चों ने कार्टून्स देखने के लिए यूज़ करना होता है, तो आप इस तरीके से ना अपनी एसेसरीज़ को, कोई भी चीज़, सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, उसके अलावा भी कोई चीज़ अगर आप जो है वो बैक्टीरिया वायरस फ्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना पावर बैंक कनेक्ट करें और जिसकी मदद से ये जो यूवी लाइट वाला पोर्शन है ये ऑन हो जाएगा और आप अपनी चीज़ों को स्टेराइल कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने पाउच को बंद करें और इसे अपने साथ जैसे चाहे कैरी करें। यहाँ आप अपना मोबाइल भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी एक पॉकेट बनी हुई है तो यहाँ आप पावर बैंक भी रख सकते हैं और मोबाइल भी रख सकते हैं और इसे जहाँ चाहे अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आप इसे इंडिविजुअली भी कैरी कर सकते हैं और आप अपना, जैसे गर्ल्स के बड़े बैग्स होते हैं तो आप इसे उसके अंदर भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू है, अभी मैंने यूज़ भी नहीं किया है। ये हम इसका आज स्टिकर भी उतार देते हैं इसके ऊपर से, ये जो इसके ऊपर रैप लगा हुआ था। अब जो है इस माइक को टेस्ट भी कर लेते हैं। डोंगल जो है वो मैंने अपने फ़ोन के साथ अटैच कर लिया है और ये पावर बटन से मैंने इस माइक को ऑन कर लिया है, इस पर ब्लू लाइट ऑन होगी और डोंगल पर भी ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है। अब जो है अभी ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग होगी माइक की। अगर मैंने नॉइस रिडक्शन के साथ रिकॉर्डिंग करनी है तो ये जो साइड पर ब्लू कलर का बटन है इसे मैं प्रेस करूँगी तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। अब जो है इस पर ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है और ग्रीन लाइट शो कर रही है कि अब जो है वो नॉइस रिडक्शन के साथ जो है रिकॉर्डिंग होगी। जब आप ब्लू लाइट के साथ यानी कि नॉर्मली रिकॉर्डिंग करते हैं तो चार्जिंग जो है वो 9 to 10 आवर्स निकाल लेती है इस माइक की। जब आप जो है नॉइस रिडक्शन के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसकी चार्जिंग जो है वो 6-7 आवर्स ही निकालती है।
अब आप लोग नोटिस करें कि पहले जब मैं बात कर रही थी तो जो बैकग्राउंड में फैन का शोर आ रहा था वो अब कम हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे तो हादी और शाहजहान दोनों तो सो चुके हैं, तो फैन का ही शोर है इस वक्त बैकग्राउंड में, तो वो रिड्यूस हुआ है या नहीं, आवाज़ मेरी पहले से क्लियर है या नहीं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।